आज का वचन नई सृष्टि के बारे में है। प्रेज द लॉर्ड। नई सृष्टि, कितनों को नई सृष्टि मिली हुई है? कितने लोग नई सृष्टि में? बाइबल कहता है कि यदि आप मसीह में हैं तो नई सृष्टि है। यदि आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि में हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब ये नई सृष्टि होती क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है कि हम हैं कौन। प्रेज द लॉर्ड। हम जब यीशु मसीह में आए, जब हम यीशु मसीह ने हमें शुद्ध किया, जब हम यीशु मसीह ने हमें पवित्र किया, तो हम क्या बन गए? प्रेज द लॉर्ड। आज हम क्या, हम आज हम कौन सा मनुष्यत्व लेकर इस कलीसिया में बैठे हैं? आज हम कौन सा अपने अंदर व्यक्तित्व लेकर इस धरती पर चल रहे हैं? वी हैव टू नो हम कौन है। हम एक नई सृष्टि में, बोलिए हम एक नई सृष्टि में, बोलिए मैं एक नई सृष्टि हूं। अब नई सृष्टि क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। नई सृष्टि में आप परमेश्वर की शक्ति को पाते हैं, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को पाते हैं, आप परमेश्वर के वरदान को पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि नई सृष्टि क्या है, एक वरदान है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। नई सृष्टि क्या है, एक वरदान है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो जब हम नई सृष्टि में आते हैं तो हम पूरी तरीके से पवित्र हो जाते हैं। हम जब नई सृष्टि में आते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर के वरदान हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। और जब हम नई सृष्टि में आते हैं तो जो पुरानी चीजें हैं, बाइबल क्या कहती है, 2 कुरिन्थियों 5:17, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। पुरानी बातें, जब हम नई सृष्टि में होते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर आता है और हम पर, हमारे शरीर पर जो पुरानी चीजें हैं, जो हमारे शरीर को आजमाइश में लाती थी, जो हमारे शरीर को कमजोर बनाती थी, प्रेज द लॉर्ड, वो चीजें नई सृष्टि में आपको कमजोर नहीं कर पाएंगी। हेलो, आप लोग समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पुरानी चीज क्या थी, आप रोटी के लिए तड़पते थे, आप 1 बज गया 1:30 बज गया आप खाने के लिए तड़प रहे, नहीं खाना नहीं मिलेगा तो कुछ भी हम कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप नई सृष्टि में हैं तो भूख आप पर कब्जा नहीं कर सकती। आप नहीं जानते नई सृष्टि की शक्ति क्या है। मूसा 40 दिन 40 रात तक सीने पर्वत पर परमेश्वर के साथ था, हालेलुया, और वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर की शक्ति उसके अंदर काम कर रही थी, परमेश्वर का अभिषेक उसके अंदर था, हालेलुया। बाइबल कहती है 40 दिन 40 रात तक उसने कुछ नहीं खाया, प्रेज द लॉर्ड। भूख उस पर हावी नहीं हुई, प्यास उस पर हावी नहीं हुई। हेलो, नई सृष्टि में आपकी भूख आप पर हावी नहीं हो सकती। आपको कौन विचलित करता है, आपकी भूख? आप अपने जीवन में किस चीज से असुरक्षित है, कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? प्रेज द लॉर्ड। नई सृष्टि में आपके पास एक अद्भुत आशीष, एक अद्भुत सामर्थ आपके अंदर प्रभाव होता है, एक अद्भुत सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 3 का अगर हम पढ़ेंगे 16 से लेकर 19 के बीच में, तो हम जानेंगे कि पौलुस की यही प्रार्थना थी। पौलुस उस प्रकाशन को जान चुका था, पौलुस उस प्रकाशन को समझ चुका था जो परमेश्वर का था। और वो प्रकाशन क्या था, कि जिसको परमेश्वर ने चुना है वो नई सृष्टि में आ जाए। हेलो, आप लोग समझे कि नहीं समझे? परमेश्वर ने आपको चुना है और वो चाहता है कि आप नई सृष्टि में अपनी जिंदगी को जिए। इस धरती पर रहकर अपना काम करते हुए, अपना जीवन निर्वाह करते हुए आप नई सृष्टि में रहे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। नई सृष्टि,
जो आपके जीवन को बदल देगी। नई सृष्टि आपकी सोच को बदल देगी। यही चाहता है परमेश्वर। तब शैतान आपके जीवन को भरमा नहीं पाएगा, तब आप शैतान के झूठ को समझ जाएंगे। शैतान कितना झूठा है, शैतान कैसे आपको वरगलाता है, शैतान कैसे आपके जीवन में काम करता है, शैतान कैसे आपको फुसलाता है, जब आप नई सृष्टि में होंगे आप समझ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है पढ़िए बेटा, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, 15 से पढ़िए, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, परमेश्वर के द्वारा पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, आगे, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कहता है कि हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को बलवंत करना है। हेलो, हमें परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, हमें परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा, हमें परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को बलवंत करना है। अंदरूनी मनुष्यत्व आपका कमजोर है क्योंकि हम भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम झूठ बोलते हैं, इसलिए हम धोखा देते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम पाप करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी शारीरिक जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारी शारीरिक जरूरतें हैं, उसको पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हेलो, आपकी शारीरिक जो जरूरतें हैं उसको पाने के लिए आप इतने कमजोर हैं कि लोग आजकल अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हत्या कर देते हैं, खून कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और एहसास नहीं होता उनको, उनको महसूस नहीं होता कुछ पल के सुख के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने शरीर के कुछ पल के सुख के लिए आप कुछ भी कर बैठते हैं। इतने कमजोर हैं, इतने आप गुलाम हो चुके हैं हम अपने शरीर के, इसलिए शैतान हमें बहुत आसानी से परमेश्वर से दूर कर देता है। इसलिए हमारी थोड़ी सी जरूरत अगर पूरी नहीं हो पाती है, शैतान बहुत आसानी से हमें झूठ बोलता है कि वो पिता परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा, चल कहीं और जा, और हम चले जाते हैं। हम उस झूठ को मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हम कमजोर हैं, हम सच को नहीं सुन सकते। नई सृष्टि जो है वो हमें बलवंत करती है ताकि हम उस सच को स्वीकार कर सके और उसका उसकी उसकी ताकत को अपने अंदर महसूस कर सके। सच की ताकत, पवित्र आत्मा की ताकत, उस ज्ञान की ताकत जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो ज्ञान जो परमेश्वर का है वो आप नई सृष्टि में ही महसूस कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर आपको नया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर आपको नया करता है। नई सृष्टि में भविष्य में होने वाली जो आशीषें आपको मिलने वाली हैं उनको आप जानते हैं। आपको पता लुका 1:47-48, मरियम जिसको परमेश्वर ने छुआ था, जिसको परमेश्वर ने चुना था, और उसके द्वारा यीशु मसीह धरती पर आए। हालेलुया। जब जिब्राइल दूत ने कहा कि तेरी कोख से एक बालक जन्म लेगा, उसका नाम यीशु होगा और वो पवित्र आत्मा का के सामर्थ से पैदा होगा, वो सर्वशक्तिमान का पुत्र कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मरियम एक नई सृष्टि में थी, वो आत्मा में जी रही थी, उसके संबंध पिता से आत्मिक थे, वो आत्मिक जीवन जी रही थी क्योंकि वो नई सृष्टि में थी।
वो समझ गई थी परमेश्वर की योजनाओं को। उस समय व्यवस्था के अनुसार कोई भी अगर कुंवारी औरत मां बनती है तो उसको पत्थर से मार मार के खत्म कर दिया जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड, वो जान गई थी परमेश्वर की योजनाओं को। और इसीलिए वो क्या कहती है 47 में, देखिए वो नई सृष्टि में थी तो भविष्य में होने वाली उसकी अच्छाइयां उसको पता थी, भविष्य में होने वाले जो आशीष उसे मिलने वाला था वो उसे पता था। आगे पढ़िए, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। 48, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, नई सृष्टि में आप भविष्य में होने वाले आपके आशीष को देख सकते हैं। हेलो, आप लोग को उत्साहित नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड, आप लोगों में उत्साह होना चाहिए। नई सृष्टि में हम अपने भविष्य के सुख को देख सकते हैं, नई सृष्टि में हम अपने भविष्य के आशीष को देख सकते हैं। उसने देख लिया था, इसलिए वो कहती है कि आने वाले युग में लोग, युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हम अभी के दुख से परेशान हैं, हम अभी किस अभी सताव से, अभी अभी की प्रॉब्लम से, अभी की मुसीबत से हम परेशान हैं। अब क्या होगा? क्योंकि हम नई सृष्टि में नहीं जी रहे हैं। जिस दिन आप नई सृष्टि में जिएंगे मेरी बहन, उस दिन आपको अभी का दुख कोई दुख नहीं लगेगा। परमेश्वर आपके पुराने मनुष्यत्व को उसने नया किया है, आप पुराने मनुष्यत्व में नहीं जी रहे हैं। हम किस में जी रहे हैं? नए, नई सृष्टि में। इसलिए वो क्या कहता है इफिसियों 3:17, दोबारा पढ़ो 16:17-18, पौलुस की प्रार्थना सुनिए, ध्यान सुनिए। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम में प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमीन। जब हम नई सृष्टि में आएंगे तब हम जान पाएंगे कि उस पिता परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई कितनी है। वो क्या सोचता है, उसका मन क्या है, वो कैसे हमें देखता है, उसकी वाचा क्या है, उसकी चेतावनियां क्या है, उसके प्रॉमिसेस क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो कैसे हमारे जीवन में काम कर रहा है, ये सारी चीजें हमें पता लग सकती है नई सृष्टि में। और नई सृष्टि में जीना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि नई सृष्टि में आपका सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करने के लिए आपके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, हमारा जो सोचने का तरीका है वही पुराना है। याकूब की पत्री 1:5 देखिए, मैं आपको एक वचन से समझाना चाहता हूं कि हम क्यों नई सृष्टि में प्रवेश नहीं कर पाते, हम क्यों नई सृष्टि में जी नहीं पाते। सुनिए, याकूब की पत्री 1:5, यहां बुद्धि से संबंधित वचन बात कर रहा है कि हमें बुद्धि की कमी है। हम कभी कभी सोचते हैं हमारे अंदर बुद्धि की कमी है। प्रेज़ द लॉर्ड, वचन क्या कहता है सुनिए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, यदि तुम में से किसी को भी बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे, तो परमेश्वर से मांगे। आगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कहता है? अगर आपको बुद्धि की कमी है तो आप परमेश्वर से मांगिए, जो बिना उलाहना दिए आपको देगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने कहां से उठाया?
कहां से उठाया? संसार से, जहां हम कीचड़ में फंसे हुए थे, उठाकर हमें पवित्र किया, शुद्ध किया और संसार में रखा, प्रेज द लॉर्ड, ताकि हम परमेश्वर की चाल चले, ताकि हम नई सृष्टि में जिए। हालेलुया। अब यह वचन कहता है कि अगर किसी के पास बुद्धि की कमी हो तो बुद्धि मांगे, परमेश्वर उसे दे देगा। हालेलुया। हम में से बहुत प्रार्थना करते कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे दे। कौन सी बुद्धि आप मांगते हैं? संसार में रहने वाली बुद्धि मांगते हैं आप। समस्या यही है कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं अपना बिजनेस कैसे चला सकूं। प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं अपनी नौकरी में और कैसे आगे बढ़ूं। प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं अपनी बीवी को कैसे संभाल सकूं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर अगर हम समझ और बुद्धि की बात करें तो परमेश्वर क्या चाह रहा है, वचन क्या चाह रहा है कि हमें बुद्धि मांगनी है कि परमेश्वर हम तुझे जान सके। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर तेरी योजनाओं को जान सके, हम कैसे इस संसार में रहते हुए अपने नए मनुष्यत्व को आगे बढ़ा सके। हमें वो बुद्धि दे, हमें बुद्धि दे ताकि हम शैतान की चालों को समझ सके। हमें अंदरूनी मनुष्यत्व को हमारे बलवंत कर और उसमें अपनी समझ उड़ेल, अपनी बुद्धि डाल, ताकि हम जब संसार में चले तो सफलता प्राप्त करें। हमारी सफलता क्या है? हम समझते हैं हमारी सफलता पैसा है, हमारी सफलता हमारा धंधा है, हमारी सफलता हमारी नौकरी है, हमारा पैसा है, हमारा बैंक बैलेंस है। नहीं मेरे भाई, हम यीशु मसीह में नया जीवन पा चुके हैं, हम नई सृष्टि में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी सफलता क्या है? परमेश्वर के सामर्थ को लेके जीना। हमारी सफलता क्या है? परमेश्वर की बुद्धि के संग इस धरती पर रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह 3.5 साल तक चेलों को क्या सिखा रहे थे कि नई सृष्टि में तुम्हें कैसे जीना है, कैसे जीना है तुम्हें। वो चेलों को जब उसने सेविकाई के लिए भेजा तो चेलों को बोला कि अपने संग कुछ भी मत लेके जाना, अपने संग कुछ भी लेके मत जाना, लाठी उठी कुछ कुछ, सिर्फ लाठी लेके जा सकते हो और सोना चांदी कुछ भी लेके मत जाना, सब कुछ मुहैया कराया दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चेलों को बताया कि नई सृष्टि में हमें आत्मा की जरूरत है, इस शरीर की रोटी की जरूरत नहीं है, हमें उसकी बुद्धि की जरूरत है। हमारे पास परमेश्वर ने नई सृष्टि में सामर्थ्य दिया है। शैतान क्या बोलता है यीशु मसीह से कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू इस पत्थर से बोलेगा रोटी बन जा तो रोटी बन जाएगी। वाकई नई सृष्टि में परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। अगर हम पत्थर को बोलेंगे रोटी बनेगी। हर शय यीशु मसीह के द्वारा बनी है और हर शय में यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। आप नई सृष्टि में जीना नहीं चाहते? नई सृष्टि में अद्भुत सामर्थ्य है। नई सृष्टि में आप सामने वाले के मन को समझ सकते हैं। आपको पता है नई सृष्टि में 1 कुरिन्थियों 2:15 पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 2:15। नई सृष्टि में आप आत्मा में जान लेंगे कि सामने वाले के मन में क्या है। यस। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। परंतु वो आप जांचा नहीं जाता। हालेलुया। जब मेरे लीडर्स बात करते हैं कई बार, परमेश्वर का आशीष है कि मैं आत्मिक रूप में जानता हूं कि उनके मन में क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक रूप में आप जानते हैं, जब आप आत्मा में चलते हैं
अगर आप आत्मा में जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, आप मसीह जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। आप अगर प्रभु को आत्मिक रूप से नहीं देखेंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको कभी ना कभी शैतान लेके जाएगा, समझे आप? आत्मिक रूप से देखना और शारीरिक रूप से देखना फर्क है। क्या फर्क है? जब आप प्रभु को शारीरिक रूप से देखते हैं तो अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए देखते हैं, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन जब आप परमेश्वर को आत्मिक रूप से देखते हैं तो आप उसके सामर्थ को पाने के लिए उसे देखते हैं, अपने नए मनुष्यत्व को और बलवंत करने के लिए आप उसे देखते हैं। पुराना मनुष्यत्व जो आपका है मेरे भाई, वो तो मिटने वाला है, खत्म होने वाला है। लेकिन नया मनुष्यत्व जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो पिता के पास जाएगा, वो प्रभु के पास जाएगा, वो अनंत काल का है, उसको कोई नहीं छीन सकता आपसे। इसलिए नई सृष्टि में हमें अपने जीवन को बिताना है, नई सृष्टि में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 17:7-8, जब इज़राइल को लेकर आया था परमेश्वर मिस्र से, दासत्व के जीवन से, जंगल में रखा और एक जगह थी रपीदीम जहां लेकर आया वो, और वहां पीने का पानी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि इज़राइली जो तकरीबन 20 लाख लोग थे, वो झगड़ने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, मूसा को कुड़कुड़ाने लगे कि हमें तो कहां लेकर आ गया जहां पानी पीने का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां परमेश्वर था, उन्होंने परमेश्वर को देखा मूसा से बात करते हुए, उन्होंने परमेश्वर को देखा है बादलों के संग उतरते हुए, लेकिन वह परमेश्वर की उपस्थिति को इग्नोर कर रहे थे, इसलिए उन्हें प्यास लग रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वह झगड़ने लगे तो मूसा ने प्रभु से कहा कि इन्हें प्यास लगी है, मैं क्या करूं बता। परमेश्वर ने कहा चट्टान पे जा, जो लाठी मैंने तुझे दी है उस लाठी से 2 बार मार, और इज़राइल के प्राचीनों को लेकर आ, वहां पानी मिलेगा, वो चट्टान तुझे पानी देगी और पानी पिला। अब देखिए यहां पर क्या करता है, क्योंकि मूसा एक आत्मिक व्यक्ति था, मूसा एक नई सृष्टि में जीवन जी रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए एक आत्मिक मनुष्य क्या करता है, एक नई सृष्टि का आदमी क्या करता है, सुनिए। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा। हाँ, सातवां। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया। आगे। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा। मस्सा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यहाँ उपस्थित है। लोग क्या कर रहे थे, सब लोग पानी पी रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मूसा क्या कर रहा था, वेदी बनाना था। उसके लिए वेदी इंपॉर्टेंट थी, लोगों के लिए पानी इंपॉर्टेंट था। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये जांचना है अपने आप को कि मेरे लिए जो घर की रोटी है या मेरा पैसा है या जो मेरा धंधा है वो इंपॉर्टेंट है या प्रभु इंपॉर्टेंट है। लोगों के लिए चट्टान से निकलता हुआ पानी इंपॉर्टेंट था, और मूसा, क्या मूसा इंसान नहीं था? वो भी तो प्यासा होगा, उसको भी तो प्यास लग रही होगी। क्यों नहीं लग रही थी? क्योंकि उसकी जो शरीर की कमजोरी है उस पर हावी नहीं थी। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यही तो सिखाता है प्रभु। नई सृष्टि में आप अपने शरीर की कमजोरी को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
पुराने मनुष्यत्व में आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको भूख लगेगी, एक हद तक आपने टाइम व्यतीत करेंगे, उसके बाद आपको खाना चाहिए, फिर कुछ भी कर सकेंगे खाने के लिए, रोटी के लिए, पानी के लिए, यू कैन डू एनीथिंग। मूसा नई सृष्टि में था, प्रेज़ द लॉर्ड, और मूसा ने वेदी बनाई। हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए जरूरी क्या है यह पहचानना कि उस चट्टान से पानी देने वाला कौन है। जिस दिन आपने उस इंपॉर्टेंस को, उस कीमत को समझ लिया कि आपके धंधे को चलाने वाला कौन है, तो आप धंधे से प्यार नहीं करेंगे, धंधे को चलाने वाले से प्यार करेंगे आप। यही प्रभु चाहता है। लेकिन हम लोग परमेश्वर से प्यार नहीं करते, हम सिर्फ लेते हैं और संसार में अपने आप को इतना घुसा देते हैं कि उससे निकल नहीं सकते। हम डरते हैं, हम डरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार से देखिए, मूसा को भी टाइम लगा था, 40 साल लगे मूसा को अपने आप से संसार को निकालने में, 40 साल लगे। 40 साल तक वो कहां था? मिस्र में। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार में था। 40 साल के बाद वो कहां आया? मैदान शहर में। किसी को नहीं बताया उसने कि मैं मूसा हूं। आपको पता है, किसी को नहीं बताया। उसने अपने बच्चों का जो नाम रखा, गिरशोम और एलीएजर, उन नामों का मतलब यह है कि मैं यहां अजनबी हूं। इसीलिए जब उस झाड़ी से परमेश्वर ने बुलाया मूसा, तो वो चौंक गया, मूसा कौन जानता है मुझे, वो डर के बैठा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। चालीस साल के बाद जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, अधिकार दिया, समझ दी, अपना रूप दिया, अपना सामर्थ्य दिया, वो अधिकार दिया, तो वो नई सृष्टि में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। नई सृष्टि में रहकर आप संसार में रह सकते हैं। नई सृष्टि पाने के बाद आप संसार में आराम से रह सकते हैं। लेकिन पुरानी सृष्टि के साथ आप परमेश्वर के राज्य में नहीं रह सकते। और हम, हमारी असफलता और हमारे दुख का कारण यही है कि हम पुरानी सृष्टि के साथ, पुराने मनुष्य के साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम वही पुराने वस्त्र पहनकर, हम वही पुराने मनुष्यत्व के साथ परमेश्वर के राज्य में रहे और उसके चाल चले। संभव नहीं है, संभव नहीं है मेरी बहन, संभव नहीं है। आप शादी से पहले का जीवन, शादी के बाद का जीवन एक साथ नहीं रह सकते। रह सकते? नहीं रह सकते, आपकी शादी नहीं चलेगी। इसी तरीके से आप जब प्रभु में आते हैं तो आप नए मनुष्यत्व बन जाते हैं। प्रभु यीशु आपको धोता है, आपको शुद्ध करता है, आपको पवित्र करता है, आपको नई आत्मा देता है, मन देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि आप उसको समझें, ताकि आप उसके समझने के योग्य बन जाएं। वो आपको समझने के योग्य बनाता है। लेकिन फिर भी हम नई सृष्टि में प्रवेश करना नहीं चाहते। एक तो है कि हम उसे बहुत बड़ा मुश्किल काम समझते हैं कि हम नई सृष्टि में कैसे काम कर सकेंगे। हम नई सृष्टि में जाएंगे, देखिए नई सृष्टि ही आपको प्रभु के करीब रखती है। जैसे नई सृष्टि क्या है? उसका सामर्थ, उसकी शक्ति, उसका मन, उसके विचार, उसकी पवित्रता, उसकी आत्मा, जो हमें नई सृष्टि में बना के रखती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
हमें नई सृष्टि में अपने जीवन को बिताना है और नई सृष्टि में परमेश्वर के सामर्थ को समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल वायरस चल रहा है, वायरस, कोरोना वायरस चल रहा है आजकल, बहुत लोग डरे हुए कोरोना वायरस। हालांकि करोला है, कोरोना है, कोरोना, कोरोना वायरस चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप नई सृष्टि में हैं, कोई भी वायरस आपको इफेक्ट नहीं करेगा। प्रमाण दूं, वचन दूं, वचन दिखाऊं, मरकुस 16:17-18, मरकुस 16:17-18, कोरोना वायरस हम नई सृष्टि वालों पर इफेक्ट नहीं कर सकता। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूं। कोरोना, मरकुस 16:17-18 जल्दी पढ़िए। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांप को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हेलो, वो सांप को उठा लेंगे, विष भी पी लेंगे, तब भी उनके कोई हानि नहीं होगी। क्या कोरोना वायरस विष से ज्यादा है क्या? कोरोना वायरस अगर आप पर आएगा तो इलाज हो सकता है, विष पीने के बाद कहां इलाज होगा? लेकिन जो नई सृष्टि में है, अगर आप विष भी पी लेंगे तो आपकी कोई हानि नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई हानि नहीं होगी आपकी, लिखा हुआ है, क्योंकि आप नई सृष्टि में आ गए। आपने विश्वास किया है, आपने विश्वास किया कि यीशु ही प्रभु है, उसके लहू से आप शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरी बहन, नई सृष्टि को समझिए। आजकल लोग डर के भाग रहे हैं। आज एक सवाल पूछूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में डर, असुरक्षा, निराशा, दुख, तकलीफ, बीमारी ना आए, आप चाहते हैं? हाँ के ना? हाँ। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप नई सृष्टि में जिंदगी जी रहे हैं तो दुख और विनाश और निराशा और बीमारी, असुरक्षा आपके जीवन में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। चिंता, क्योंकि हम पुरानी सृष्टि में जी रहे हैं, हम पुराना मनुष्यत्व लिए घूम रहे हैं। इशू का हमने तमगा ले लिया है, सिर्फ एक बोर्ड जैसे साइन बोर्ड है अपने हाथ में रख लिया कि इशू मसीह बस, और हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। अंदर नहीं है इशू आपके, हमारे हाथ में इशू है, हमारी जबान पे इशू है, लेकिन हमारे अंदर इशू नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर इशू होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया में बहुत से लोग आते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नई सृष्टि में, आप कैसे शराब पी सकते हैं, कैसे तंबाकू खा सकते हैं आप, फिर भी आप आते हैं कलीसिया खाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका, आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यीशु आपके अंदर नहीं है। जिस दिन यीशु आपके अंदर आ गया, आप उस चीज के बारे में सोचेंगे भी नहीं, आप सोचेंगे भी नहीं उस बारे में, गलत चीज करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आपके अंदर यीशु है, आप नई सृष्टि में हैं।
यही तो बात लिखी हुई है कि नई सृष्टि में है। यदि आप मसीह में है तो नई सृष्टि में है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। नई बातें क्या है कि आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपका रहने का तरीका बदल जाएगा। आप वो सामर्थ और वो शक्ति के संग जिंदगी जिएंगे कि कोई शैतानी चीज आपको छू नहीं पाएगी, आपको आहत नहीं कर पाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको चुनकर नई सृष्टि में बनाता है, तब आपका उपयोग करता है। आपका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा है परमेश्वर आपका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आप पूरी तरीके से नई सृष्टि में नहीं है। शॉल पॉलुस जो शॉल था दमिश्क में, एक्स निकालिए, एक्स प्रेरितों का काम 9:3-15 के बीच में पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि पॉलुस जब शाउल था उसने बहुत मसीहों को मारा, कूटा, आराधनालयों से निकाल दिया, उसने बहुत कष्ट दिए उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यवस्था को जानता था लेकिन परमेश्वर के मन को नहीं जानता था, उसके प्रकाशन को नहीं जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और दमिश्क में जाते हुए प्रभु ने, यीशु ने उसे दर्शन दिए। क्यों दिए? देखिए आप 9:3 9:3 परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उनके चारों ओर ज्योति चमकी आगे, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। क्या क्या यीशु मसीह ने जिस यीशु को सता रहा था, जिस यीशु के बारे में उसे पता ही नहीं था कि यीशु है कौन, सबसे पहले तो यीशु ने बताया कि मैं कौन हूं। परमेश्वर चाहता है, यीशु चाहता है कि हम जाने कि वो कौन है। आप कैसे उसके साथ रहेंगे, कैसे उसके करीब रहेंगे, मुझे बताइए। जब तक उसे जानेंगे नहीं आप उसके करीब रह सकते। हालेलुया। चेलों से उसने पूछा था ना कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, चेलों ने बताया कि कोई आपको एलिया सोचता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा वाला समझता है, लेकिन पत्रस ने कहा कि मैं समझता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह, हालेलुया, अभिषिक्त पुत्र हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह के बारे में, आप उसे कैसे देखते हैं? आप नई सृष्टि में कब आएंगे? जब आप यीशु को देखना शुरू करेंगे। आप कैसे देखते हैं? यहां पर यीशु मसीह कहता है जिसको तू मुझे सताता है, मेरी कलीसिया को सताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कौन है? कलीसिया का सर। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कौन है? कलीसिया का सर। यीशु कहता है तू मुझे सताता है, किसको? यानी कि कलीसिया को सताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर, तो यीशु मसीह जब आपको चुनता है तो आपकी बुद्धि खोलता है और आपको बताना चाहता है कि वो कौन है। पौलुस कैसे परिवर्तित हुआ? आगे पढ़िए। उसने पूछा, हे प्रभु, तो कौन है? हाँ। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हाँ, आगे। परंतु अब उठकर नगर में जा, जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। जो तुझे करना है तुझसे कहा जाएगा। उसने यीशु की ज्योति देखी और उसकी आंखें चली गईं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यही चाहता है कि आप जब यीशु मसीह में आते हैं, आप जब यीशु मसीह को समझने लगते हैं, उससे पहले आप संसार को देखना बंद करें। आप एक बार में दो चीज देख सकते हैं? देख सकते हैं? एक ही बार में दो चीज देख सकते हैं? यीशु चाहता था कि पौलुस संसार को ना देखे, मुझे देखे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 3 दिन तक उसकी आंखें बंद रही।
और तीन दिन तक वो महसूस करता रहा कि मैंने क्या पाप किया है, मैंने कितने पाप किए यीशु के लिए, उसके विरुद्ध। वो उन पापों को महसूस करता रहा, एहसास करता रहा, पश्चाताप करता रहा और पल 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 वो शुद्ध होता रहा, शुद्ध होता रहा। नई सृष्टि आप कैसे प्राप्त करते हैं? उसका पहला कदम है दीनता, पश्चाताप करना। जब आप पश्चाताप करते हैं, जब दीन बनते हैं, तो आप नई सृष्टि में पहला कदम रखते हैं। पहला कदम रखते हैं जब आप अपने आप को दीन करते हैं। यहां पौलुस ने अपने आप को दीन किया, उसकी आंखें बंद हो गईं, वो कुछ नहीं देख सका, सिर्फ उसको दिख रहा था कि उसने क्या क्या अत्याचार किए हैं। उसकी आंखों के सामने, उसके मन के पटल पर एक ही दृश्य चल रहा था, कैसे उसने यीशु को सताया, कैसे उसने पाप किए, कैसे उसने अत्याचार किए। सारी चीजें तीन दिन तक उसके जहन में घूम रही थी, वो वही चीज देख रहा था, वो वही चीज देख रहा था जो उसने किया है। कैसे इस्तफनुस जब यीशु की गवाही दे रहा था और वो पास में खड़ा हुआ था, इफनुत की इस्तफनुस की मौत का जिम्मेदार यीशु पौलुस ने, जब इस्तफनुस को लोग मार रहे थे, वहां गवाह बनकर पौलुस खड़ा हुआ था। वो तीन दिन तक। तो हमें अपने आप को पूरी तरीके से खाली करना पड़ेगा, पूरी तरीके से पवित्र करना पड़ेगा। यीशु उसे यूज करना चाह रहा था। तीन दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, वो सिर्फ पश्चाताप कर रहा था, अपने आप को खाली कर रहा था। और तीन दिन के बाद यीशु मसीह ने एक अपने चेले को, अपने अनुयायी को, हनन्या को दर्शन में कहा कि जा, जा उस पौलुस पर जो सीधी नाम की गली के पास रहता है, उस पर हाथ रख ताकि वो देखे। क्या कर रहा है वो? यीशु मसीह ने क्या कहा है? वो प्रार्थना कर रहा है। सुनिए क्या कहता लिखा है, इसके बाद पढ़ो। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके जीवन में कब काम करता है? पश्चाताप के बाद वो प्रार्थना कर रहा था कि यीशु, मैं जान चुका हूं कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं जान चुका हूं। वो प्रार्थना कर रहा था कि मुझे तेरी जरूरत है यीशु, मुझे तेरी जरूरत है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। वो प्रार्थना कर रहा था। आप नई सृष्टि में कब प्रवेश करेंगे? जब आप प्रार्थना करेंगे और जब आप महसूस करेंगे कि आपको यीशु की जरूरत है। यीशु के बिना हम कुछ नहीं है। अगर यीशु नहीं है तो हम कुछ भी नहीं, हम शून्य हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे हमारे पास संसार है, अगर यीशु नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि संसार का रचयिता वही है। हालेलुया। इसलिए शाऊल पौलुस बन गया, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर ने पुराने मनुष्य से निकालकर उसको नए जीवन में लेकर आया। और आप जानते हैं पौलुस के बारे में, उसने तकरीबन 14 किताबें लिखी, 13 किताबें तो हैं, 14वीं को हम इब्रानियों की किताब कहते हैं, जिसमें उसका नाम नहीं है, लेकिन विख्यात जो पंडित है वो कहते हैं कि इब्रानियों को लिखने वाला पौलुस है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे वो लिख पाया? नए मनुष्य तुम्हें आप आनंद का अनुभव करते हैं, आपसे आपका आनंद कोई नहीं छीन सकता। जब आप नई सृष्टि में आएंगे ना, तो आपसे आपका आनंद कोई नहीं छीन सकता। आप बीमार होंगे तब भी आनंदित रहेंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी तब भी आप आनंदित रहेंगे, आपको कोई मारेगा सताव होगा तब भी आप आनंदित रहेंगे,
ये चेलों के संग यही होता था, ये मार खाते थे, सताव सहते थे और आनंद उठाते थे, क्योंकि नई सृष्टि में परमेश्वर चाहता है जब तक आप नई सृष्टि में नहीं आएंगे। अब पौलुस 3 दिन में नई सृष्टि में आ गया, कईयों को हजारों साल लग जाते हैं, 25 साल 20 साल 25 30 साल उस चर्च आ रहे हैं लेकिन नई सृष्टि में नहीं है, वही पुराना मनुष्य तो उनके साथ आ रहा है, वही पुराना व्यवहार उनका है। नई सृष्टि में आपको चलना होगा। पौलुस 3 दिन में पुरानी से नई सृष्टि में आ गया, मूसा को 40 साल लगे और कितने भाई बहने जो पहुंचते ही नहीं वहां तक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम नई सृष्टि में ही उसको समझ सकते हैं, नई सृष्टि में ही हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसके मन को समझ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल पढ़ने से पहले आप क्या प्रार्थना करते हैं? कैसी प्रार्थना करते हैं मुझे बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रार्थना करते हैं आप? क्या पढ़ने जा रहे हैं? बाइबल पढ़ने से पहले आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर, मैं तेरे वचनों को, जो जीवित वचन है, उसको पढ़ने जा रहा हूं। मैं जब इस वचनों को पढ़ूं तो मैं इन वचनों में तेरा मन देखूं, मैं जब इन वचनों को पढ़ूं तो इन वचनों में तेरा प्यार देखूं, जब इन वचनों को पढ़ूं तो वचन परमेश्वर मैं तेरी वाचा को देखूं, मैं इन वचनों में तेरी चेतावनियों को देखूं, तेरे प्रोमिसेस को देखूं, तेरी योजनाओं को देखूं, मैं जब इन वचनों को पढ़ूं तो मैं इसमें यीशु को देखूं, यीशु के प्यार को देखूं, यीशु की दीनता को देखूं। जब मैं इन वचनों को पढ़ूं तो जिन वचनों को तू जिस नबी के द्वारा पेश कर रहा है उसके समर्पण को देखूं, उसके प्यार को देखूं, उस इतिहास को देखूं जब तूने ये कहा है। मैं प्रभु का वचन पढ़ने जा रहा हूं, उसके मुख से निकली हुई वाणी को मैं अपने मुख से निकालने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज आप परमेश्वर का वचन अपने मुंह से निकाल रहे हैं। उस वचन को समझने के लिए मेरे भाई बहुत हमें सिर्फ परमेश्वर की ही कृपा की जरूरत है, इंसानी बुद्धि उसको नहीं समझ सकती है। वचन पढ़ने से पहले हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, किस तरीके से वचन, हमें वचन की जरूरत कितनी है। बाइबल आप सिर्फ रूटीन के लिए पढ़ रहे हैं कि सर पास्टर ने कहा तो चलो आज एक चैप्टर पढ़ लिया, कल दूसरा चैप्टर पढ़ लिया। आपके लिए वो वचन कितना जरूरी है। हेलो, जिस तरीके से एक डूबते हुए इंसान को सांस की जरूरत होती है, एक इंसान डूब रहा है उसको किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सांस की, उसकी तरीके से हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है, परमेश्वर के वचन की जरूरत है। इसलिए जब भी आप उस वचन को पढ़ने जाएं, आप उस, क्यों कहा जाता है कि वचन में जीवन है, परमेश्वर का, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर वचन आपको जीवन कैसे देता है, क्योंकि हमारा पुराना मनुष्य तो जो मरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो वचन जीवन देता है, वो वचन उस हमें जीवन देता है।
और हम पुराने से नए मनुष्यत्व में आ जाते हैं, यही नई सृष्टि है। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हालेलुया, बहुत जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि परमेश्वर आपको नई सृष्टि बनाना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि आप नई सृष्टि में ही अपने जीवन को चलाएं। तब आप प्रभु को समझ पाएंगे, तब आप परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे, तब आप उसकी योजनाओं को जान पाएंगे, तब आप निराश नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे, अपनी छोटी मोटी रोज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपके ऊपर असर नहीं कर पाएंगे। तब आप जानेंगे कि प्रभु क्या चाहता है, तब आप परमेश्वर के मन को जान पाएंगे, तब आप अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं को समझ पाएंगे, तब आप अपने बच्चों को जान पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम जान गई थी, एक तो उसने क्या किया, वो जान गई थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। उसने कहा धन्य है लोग मुझे, आने वाले युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। इसीलिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और उस शिशु यीशु को लेकर कहां कहां फिरते थे वो लोग, छुपते थे, क्योंकि जब तक बड़ा ना हो जाए उसको संभालते थे। उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की। मरियम अपनी जिंदगी नहीं जी, और मैं सच कह रहा हूं, नई सृष्टि में जब आप आ जाएंगे, आपको अपने लिए जीना, अपने लिए जीवन के लिए आपको स्वार्थ नहीं होगा कि मैं अपना जीवन जीऊं। जब नई सृष्टि में आ जाएंगे आपके अंदर बोझ होगा मैं प्रभु के लिए जीऊं, मैं प्रभु के लिए कुछ काम करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु मेरे जीवन में काम करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई हमें नई सृष्टि में ही जीना है, क्योंकि नई सृष्टि में ही वही वो सामर्थ है, सिद्धता है, आशीष है, उसका अभिषेक है, वो नई सृष्टि में ही है। हम पुरानी सृष्टि से हमें निकलना है और उसके लिए आप प्रार्थना करिए कि मुझे पुराने मनुष्यत्व में नहीं रहना है, मुझे पुरानी सृष्टि में नहीं रहना है, मुझे नई सृष्टि में रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पुराना, अभी देखिए एक लास्ट वचन मैं आपको देता हूं, जेनेसिस 3:17-19। नई सृष्टि क्यों परमेश्वर ने दी आपको? क्योंकि परमेश्वर ने ही आदम को श्राप दिया था। जब आदम ने पाप किया, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तो जेनेसिस उत्पत्ति 3:17-19 के बीच में परमेश्वर ने ही श्राप दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़िए बेटा, वचन मिला आपको जेनेसिस 3:17 से। आदम से उसने कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, हाँ, कि तू उसे न खाना, हाँ, उसको तूने खाया है, हाँ, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, हाँ, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यानी कि तू अपने काम को दुख के संग, उसकी उपज दुख के संग खाया करेगा, तू पसीना बहा के रोटी खाएगा। क्या हो रहा है आज, कोई आराम से रोटी खा रहा है? ये परमेश्वर के मुख से निकली हुई बात है। कोई दुनिया में ऐसा, चाहे वह मुकेश अंबानी हो चाहे कुछ है, हर कमा रहा है, लिखा उसका श्राप है, परमेश्वर का श्राप है ये कि तू दुख की रोटी खाएगा, तू बिना पसीना बहाए हुए रोटी नहीं खाएगा। कोई है ऐसा दुनिया में शख्स? कोई है? सिर्फ हम मसीह हैं। हम जो नई सृष्टि में जीते हैं वही हैं। लूका 5:5 में अगर आप देखेंगे तो पतरस रात भर मछलियां पकड़ता रहा और वो यीशु मसीह से बोलता है कि मैं रात भर यीशु मछलियां पकड़ता रहा, पसीना बहाता रहा, लेकिन एक मछली काम नहीं आई मेरे जाल में, लेकिन अब तेरे कहने पर मैं काम करूंगा, तेरे कहने पर मैं जाल डालूंगा। आमीन। जैसे ही आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, जैसे ही आप उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, आपके जीवन में मछलियां अद्भुत आशीष लेकर आती हैं।
वही झील थी, वही जाल था, वही नाव थी, वही पतरस था, वही अन्ना याकूब थे, लेकिन रात को यीशु नहीं था, दिन को यीशु आ गया। मेरे जीवन में जिस दिन यीशु आ जाएगा मेरी बहन, जिस दिन आपके जीवन में यीशु आ जाएगा, आपको पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। ये जो श्राप है परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उस श्राप को हमसे दूर कर दिया है। इसलिए हम बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ कि आपको पसीना बहाना पड़ेगा। बाइबल क्या कहती है, मत्ती 6:31-33 के बीच में, तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू कहां रहेगा, इसकी चिंता मत कर, मेरे राज्य की खोज कर, ये सारी चीजें तुझे मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। उसका राज्य क्या है, उसको जानना, उसको पहचानना, उसके साथ चलना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसकी इच्छाओं को पूरा करना। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, इसलिए नई सृष्टि में जीना और कलीसिया में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी तो हम समझ पाएंगे। आपको आशीष मिलता है, घर में बैठ जाते हैं, गलत है मेरे भाई, आप नहीं जान रहे, परमेश्वर ने आपको आशीष दे दिया, लेकिन आप जब घर में है तो शैतान के कब्जे में है। शैतान फिर आपको बीमारी दे देगा, शैतान फिर आपको बंधन में डाल देगा, क्योंकि आप प्रभु से दूर हो गए। आप सिर्फ लेने आए थे, परमेश्वर ने आप पर दया की, आपको चंगाई दी, आप बिना यीशु को लिए हुए चले गए। आप जब घर गए यीशु को नहीं छोड़ गए, क्योंकि अब तो बीमारी, अब तो मैं ठीक हो गया, अब मेरे लिए बीमारी, अब मेरे लिए चंगाई बहुत जरूरी है, यीशु जरूरी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप यीशु को लिए बिना अपने जीवन को बिता रहे हैं, कौन काम करेगा? हेलो, कौन काम करेगा? शैतान। इसलिए घर में शैतान काम करता है, इसलिए कलीसिया आना जरूरी है, हफ्ते में एक दिन आना जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। खाना नहीं खाते चलेगा, कलीसिया आना जरूरी है, कलीसिया ही है जो आपको आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन हमें अपने जीवन को नई सृष्टि में लेके चलना है, यह परमेश्वर की आज्ञा है। कितने लोग उसकी आज्ञाओं को मानना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करिए, नई सृष्टि में पूरी तरीके से चलने की कोशिश करिए, प्रार्थना करिए, देखिए मैं कहाँ हूं, परमेश्वर के करीब हूं कि नहीं हूं, नई सृष्टि में चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, अपने आप को जांचिए, परखिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की।